बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आनिस सईद और मैं आपके साथ मैथ्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेक्चर्स दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, यानी जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स उसके बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग जब काउंट करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो हम चीज़ों को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कभी हम चीज़ें जो है वो किसी इसके अलावा किसी और चीज़ में काउंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद काउंट करनी है तो आप कहेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर्स जनरेट होते हैं वो होंगे 1, 2, 3 एंड so on, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, इतना महदूद हैं। सो क्योंकि ये नेचुरली बन जाते हैं नंबर्स, इस वजह से नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स। अब इन्हीं नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल अगर एक कमरे में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और वो 10 के 10 बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास पीछे कोई भी स्टूडेंट बाकी नहीं बचेगा, यानी जीरो जो है वो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है। सो इन्हीं नंबर्स में अगर हमारे पास 0, 1, 2, 3 और बाकी सब वही नेचुरल नंबर आ जाए तो इनको हम होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स। अब इन्हीं होल नंबर्स को जब हम आपस में प्लस या माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं 4 माइनस 7, तो जब हम 4 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो -3 होगा, जो कि ना ही इनमें है और ना ही इनमें से है। सो इट्स मीन हमारे पास एक नई किस्म के नंबर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो जिनके साथ नेगेटिव भी आता है। तो नंबर्स को मजीद जो है इनको एक्सपेंड करने के लिए, जब ये नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया जो बनता है जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स जो है वो जीरो से जो बड़े नंबर होते हैं +1, +2 ये सभी इसमें शामिल होंगे और -1, -2 और ये सभी इसमें शामिल होंगे। अगर हम इन्हीं नंबर्स को दो जो इंटीजर्स हैं या दो जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 out of 2 या कोई भी डिफरेंट नंबर आप दे सकते हैं 3 out of 7 या कोई भी आप डिफरेंट नंबर कोई दो नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल्स में आंसर आएगा या इस किस्म के फ्रैशेस वाले नंबर्स बनेंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो जो किसी का प्रॉपर स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, लाइक 7 स्क्वायर, अगर हम 7 स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्योंकि 7 किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है तो इस तरह से जो नंबर्स जनरेट होंगे इन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे 7 स्क्वायर रूट है इस तरह से आप ले सकते हैं 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको ये चीज बताता चलूं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक ही हैज 16 स्क्वायर रूट, तो 16 स्क्वायर रूट जो है वो किसी का भी इसको हम इरेशनल नंबर्स में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, लिहाजा ये इरेशनल नंबर में शामिल होगा, इरेशनल में शामिल नहीं होगा। सो ये सब इतने नंबर्स भी बनते हैं, इन सब को अगर हम कंबाइन करके ग्रुप बना लें तो हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ नंबर बनता है जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि ऑल दोस नंबर्स हु हैव पॉजिटिव स्क्वायर, यानी ऐसे कोई तमाम नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर पॉजिटिव आता है, लाइक हम 7 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर में मिलता है 49, इट्स मीन 7 इज रियल नंबर। ऐसे ही अगर हम -7 का स्क्वायर लेते हैं तो भी हमें आंसर पॉजिटिव 49 मिलता है, इट्स मीन -7 इज आल्सो रियल नंबर। ऐसे ही अगर हम 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे भी हमें 7 आंसर मिलता है जो कि पॉजिटिव है। तो ये सब नंबर्स जो हैं ये रियल नंबर्स आते हैं।
अब क्या कोई ऐसा नंबर भी है जिसका स्क्वायर लेने से हमें आंसर पॉजिटिव आता है? जी बिल्कुल, ऐसे नंबर्स हैं जैसे -7 स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -7 आएगा, यानी स्क्वायर लेने के बावजूद हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव ही आ रहा है। तो ये नंबर जो है ये -7 स्क्वायर रूट ये रियल नहीं है, बल्कि ऐसे नंबर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इमेजिनरी। या जिसे हम कह सकते हैं -1 स्क्वायर रूट इनटू 7 स्क्वायर रूट, और ये जो -1 स्क्वायर रूट है इसके अलावा अगर आप जस्ट इस नंबर को देखें यानी 7 स्क्वायर रूट को तो ये वही नंबर है जिसको हम ऑलरेडी रियल नंबर में शामिल कर चुके हैं। सो तमाम जो हमारे पास मसला आता है वो सिर्फ इस -1 स्क्वायर रूट की वजह से आ रहा है। तो इस -1 स्क्वायर रूट के लिए हम एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं व्हिच इज -1 स्क्वायर रूट व्हिच इज अलोटा। इटैलिक आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको अलोटा रीड किया जाता है -1 स्क्वायर। सो अगर आप देखें तो हर एक वो नंबर जो कि हमारे पास मिलिट्री फॉर्म में आ रहा है उसमें इस अलोटा का होना लाजमी है। आप इसमें डिफरेंट जो है वो चीजें मतलब जो नंबर्स होंगे उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास -5 स्क्वायर होते हैं तो इसे भी आप अलोटा के फॉर्म में ला सकते हैं ऐसे कि -1 स्क्वायर रूट इनटू 5 स्क्वायर रूट और अयोटा इनटू 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट अयोटा। इसको दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो अयोटा है इसकी वजह से ये नंबर जो है वो इमेजिनरी आ जाता है। अगर आप एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट अयोटा लाइक दिस तो ये हमारे पास नंबर्स का बहुत बड़ा एक सेट बनता है व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये हमारे पास दो पोर्शंस से मुश्तमिल होते हैं, एक हमारे पास इसका रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट। एक जो अयोटा वाला हिस्सा होगा दूसरा जो अयोटा के बगैर हिस्सा होगा, एक रियल नंबर दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो जब भी रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड होते हैं तो हमारे पास नंबर्स का डिफरेंट सेट बनता है, एक बड़ा लार्ज सेट बनता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, इज 5 अ कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट। या अगर हम जस्ट 5 अयोटा ले लेते हैं तो क्या 5 अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? तो ये दो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। पहले अगर हम जस्ट 5 को देखें क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0 अयोटा, क्योंकि 0 अयोटा ये पॉसिबल है। हमने ये नहीं कहा कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 नहीं हो सकता। सो 5 प्लस 0 अयोटा ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ही जो 5 अयोटा है इसे भी हम लिख सकते हैं 0 प्लस 5 अयोटा, इट्स मीन ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ये जितने भी नंबर्स हमारे पास सिंपल नंबर आए अयोटा वाले नंबर्स आए वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में शामिल होते हैं। सो अब हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इसका जो हमारे पास एक नया पार्ट है जो हमारी एक नई चीज है यानी इमेजिनरी पार्ट, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम अयोटा की बात करते हैं कि अयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब अगर हम -1 के स्क्वायर ले लेते हैं यानी अयोटा के स्क्वायर ले लेते हैं -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेते हैं सो हमें जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1, यानी अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब अगर हम अयोटा क्यूब मालूम करना चाहते हैं तो अयोटा क्यूब मींस अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो -1 टाइम्स अयोटा या माइनस अयोटा, सो अयोटा क्यूब जो है वो हमारे पास माइनस अयोटा के इक्वल आ जाता है। अगर हम अयोटा पावर 4 करते हैं
सो इसी लिखा जा सकता है अरोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अरोटा स्क्वायर, क्योंकि अरोटा स्क्वायर जो है वो भी माइनस वन के इक्वल है, ये अरोटा स्क्वायर भी माइनस वन के इक्वल है, सो माइनस इनटू माइनस प्लस वन वन इज वन, यानी अरोटा पावर फोर वन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें एक ट्रिक मिलती है कि जो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे, जस्ट चार किस्म के इसके आंसर्स आ सकते हैं। हमारे पास या इसका अयोटा आंसर आ सकता है, अयोटा की किसी भी पावर का या अयोटा आंसर आ सकता है, या माइनस वन आंसर आ सकता है, या माइनस अयोटा आ सकता है, या वन आंसर आ सकता है। इसके अलावा इन चार के अलावा और कोई भी अयोटा की किसी भी पावर का और कोई भी आंसर नहीं आ सकता, अयोटा माइनस वन माइनस अयोटा और वन। अब आपके पास आपको यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर कोई आपके पास बड़ी पावर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अयोटा पावर 96 है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है कि आप विदाउट सॉल्व किए आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या आ सकता है। सिंपल आप पावर को 4 के साथ डिवाइड करें, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 96 की एग्जाम्पल ली, तो हम 96 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 2 टाइम इज 8 16, 4 4 टाइम इज 16। आप देखें कि ये कम्प्लीटली 96 डिवाइड हो गया है, कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं बचा। तो जब कभी भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, कोई भी रिमाइंडर बाकी ना बचे, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। सो आप सॉल्व के बगैर जस्ट ही बता सकते हैं कि क्योंकि 96 4 का मल्टीपल है, तो आंसर इसका 1 आएगा। अगर नंबर को 4 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर बाकी बचता हो, अगर 1 रिमाइंडर बाकी बचता हो वो हमारे पास अयोटा आएगा, 2 रिमाइंडर बाकी बचे तो माइनस 1, 3 रिमाइंडर बचे तो माइनस अयोटा, और 0 रिमाइंडर बचे तो 1। मैं लिख लेता हूं कि अगर हमारे पास जो पावर है, तो जिस का पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 1 रिमाइंडर बचे इट्स मीन 1 रिमाइंडर होगा तो अयोटा, रिमाइंडर अगर हमारे पास 2 होगा तो माइनस 1, रिमाइंडर हमारे पास 3 होगा तो माइनस अयोटा, एंड रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा तो 1। तो ये हमारे पास इसके चार केसेस जो हैं वो बन जाते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी जस्ट लगे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अब दो कंडेंस नंबर्स आपस में ऐड किस तरह से होते हैं, दो कंडेंस नंबर्स को आपस में ऐड किस तरह से किया जाता है, अब किस तरह से दो कंडेंस नंबर्स ऐड करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास दो कंडेंस नंबर हैं, एक है 5 प्लस 4 अयोटा और सेकंड है 6 प्लस 3 अयोटा। सो इनको ऐड करने का तरीका ये होगा कि हमेशा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, यानी जो 5 पे 6 ऐड होगा जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है 4 में 3 ऐड होगा। बाकी एडिशन की सिंपल नॉर्मल नंबर्स की तरह से है, 5 + 6 = 11 + 4 + 3 = 7। यहां पे आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, अयोटा सेम अयोटा ही रहेगा। बस स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अयोटा और अयोटा दोनों जो है वो ऐड होके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये गलत है, ये अयोटा स्क्वायर नहीं हो सकता, ये अयोटा ही रहेगा। स्क्वायर इतना होते हैं जब ये मल्टीप्लाई हो जाए, सो 5 + 6 11, 4 + 3 7, अयोटा इज एज इट इज। ऐसे ही अब हम इनकी सबट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सबट्रैक्ट कैसे होते हैं। सो सबट्रैक्शन के लिए हम रैंडमली नंबर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हमें नंबर ले लेता हूं, कंप्लेक्स नंबर वो है सेट 1, 5 माइनस 4 माइनस 3 अयोटा, और सेकंड ले लेते हैं 6 प्लस 9 अयोटा। अब हमने इनको सबट्रैक्ट करना है, यानी जेड वन माइनस z1 में से z2 माइनस करना है। तो यहां भी वही तरीका होगा कि हम रियल में से रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 3 अयोटा, 6 प्लस 9 अयोटा, क्योंकि अब हमने इनको सबट्रैक्ट करना है, हमें मालूम है कि सबट्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर जो सबट्रैक्ट हो रहा होता है हमेशा उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, ये प्लस 6 ये चेंज होके माइनस में चेंज हो जाएगा और जो प्लस साइन है ये माइनस में ये भी चेंज हो जाएगा। सो 4 माइनस 6 गिव्स अस माइनस 2, माइनस 3 माइनस 9 गिव अस माइनस 12, एंड अयोटा इज एज इट इज। सो हमें जो कंप्लेक्स नंबर 7 की एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में ये पता चला कि इनकी एडिशन इस तरह से होती है कि रियल पार्ट में ऐड होगा,
पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा और सबट्रैक्शन में भी रियल पार्ट के साथ सबट्रैक्ट होगा जबकि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ सबट्रैक्ट होगा। अगर किसी को नेक्स्ट नंबर के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है जैसे फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल है कि आप 4 3 टाइम्स 12 कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपली आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें 12 टाइम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे, तो ये हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो नंबर्स हैं 4 प्लस 5 का होता और इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी एक आर्बिट्री एग्जांपल ही हम ले लेते हैं 3 माइनस 2 है। सो अभी तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये जो फर्स्ट रियल नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 है। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है 5 में होता ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 है होगा, यानी ये दोनों सेपरेटली मल्टीप्लाई होंगे। इस प्रॉपर्टी को यानी 4 जो है ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही 5 होता जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे या सिंपल 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 टाइम्स 12 माइनस 4 2 टाइम्स 8 होता प्लस 5 3 टाइम्स 15 होता प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10। यहां पे आके हमारे पास एक आम चीज है कि जब डेल्टा डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा डेल्टा स्क्वायर। जैसे सिंपल x जब x के साथ मल्टीप्लाई होता है इसे हम x स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे ही डेल्टा जब डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें जैसे मालूम है कि जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो रियल पार्ट में प्लस माइनस होता है जबकि इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस होता है। सो 12 एक रियल नंबर है, इसके अलावा 12 के अलावा फिलहाल हमें कोई भी दूसरा रियल नंबर दिखाई नहीं देगा तो हम 12 को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये दोनों आयोटा वाले नंबर्स हैं यानी इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब क्योंकि 15 जो है वो ग्रेटर है इस ऑफ पॉजिटिव साइन है, 15 माइनस 8 विल गिव अस प्लस 7 आयोटा। लास्टली माइनस 10 यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है माइनस 1 की इक्वल होता है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 लिख लेते हैं। अब सिंपल 12 रियल पार्ट अकेला है, इमेजिनरी सिर्फ 7 आयोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें माइनस इनटू माइनस इज प्लस 10 माइनस 1। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रियल नंबर्स आ रहे हैं तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 में जैसे ही हम 10 ऐड करते हैं हमें 22 मिल जाता है प्लस 7 आयोटा। सो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड किस तरह से होते हैं, इनकी मजीद प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन फॉर ऑल जो कि कॉन्फ्रेंस के लिए एजुकेशन है, इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें।